नमस्ते जय धन्वंतरी। अभी गर्भ विज्ञान के शिविर में, गर्भ संस्कार के सेमिनार्स में हम बहुत कुछ विषय गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के बारे में लेते हैं। वर्षों से हमारा इस लाइन का अनुभव रहा है, गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार का। पूज्य गुरुवर्य ने लगभग इस सदी में सबसे ज्यादा कार्य गर्भ विज्ञान पर किया है और संस्थाओं से सबसे ही गहरा और सबसे सटीक कार्य हम कह सकते हैं। कुछ कुछ प्रश्न लोगों के आते हैं जो ग्रंथांतर में मिलते हैं, तो उन पर हम क्या कर कहते हैं, क्या जवाब है, इस पर कुछ कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। आप भी पूछ सकते हैं गर्भ विज्ञान के रिलेटेड, गर्भ संस्कार के रिलेटेड, तो लोगों को भी लाभ मिलेगा प्रश्नोत्तर संवाद पद्धति से। गजेंद्र सिंह करके एक जो श्रावक श्रोता है YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने WhatsApp करके पूछा है हमको कि द्वितीय समूललास का रेफरेंस दिया है। ये पूरा कागज भी उन्होंने पुस्तक का, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है, उसका ब्यौरा देते हुए द्वितीय समूललास में पेज नंबर 28 पर उन्होंने जात कर्म संस्कार के बारे में कुछ विषय लिया है स्वामी जी ने, उसके ऊपर प्रश्न किया है। प्रश्न ये है, प्रसूता का दूध 6 दिन उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे और प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, तदनंतर दाई पिलाया करे, परंतु दाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता कराएंगे। मतलब दाई को अच्छा खाना देना चाहिए और माता का दूध केवल बच्चों को 6 दिन तक ही माता दे सकती है, बाद में दाई ही उसको स्तनपान कराए, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में द्वितीय समूलास में लिखा है। तो उन्होंने प्रश्न किया है, क्या मुझे इस पुस्तक को आगे, ये क्या सही है, ऐसा आप कह रहे हैं या ऐसा आयुर्वेद संहिताओं में है क्या? तो मैंने उनका जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आयुर्वेद संहिताओं में नहीं है। तो उन्होंने फिर पूछा है, तो फिर क्या मुझे इस पुस्तक को आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं, फिर तो इसमें बहुत कुछ झूठी होगा। ये उन्होंने सामने से प्रश्न किया है। बिल्कुल नहीं, सत्यार्थ प्रकाश वास्तव में सत्य की खोज के लिए एक बहुत बड़े प्रकाश के स्वरूप ग्रंथ है। मैं कोशिश करता हूं, मैं भी स्वामी जी की बात को समझने का काबिल हो सकूं वेदों के बारे में, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, नहीं शंका है। ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए सबको। भारत भर को एक बार इस ग्रंथ ने झकझोरा था और गहरी नींद से उठाने का स्वामी जी ने प्रयत्न किया। हमारे पास में ही टंकारा नामक ग्राम है, वहां पर के ही स्वामी जी ने शरीर धारण किया, वहां पर ही शरीर है, वहीं से उनका शरीर संबंधित रखता है। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो उस काल के, उस समय की, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही जाती है। स्वामी जी वेदों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो इस बात को चिकित्सा दृष्टि से नहीं अभी तो सामाजिक दृष्टि से रख रहे हैं। तो पहले के काल के लिए, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो शास्त्रार्थ के रूप में वहां प्रतिपादित कर रहे हैं, प्रसंगवश उसको रख रहे हैं, तो वो एंगल समझना चाहिए। तो आयुर्वेद की जो संहिताएं हुई उसके बाद की जो सामाजिक परिस्थितियां बदलते रही, अभी तो दाई का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए ये बात को तो अभी प्रसक्ति ही नहीं है, क्योंकि उस ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी बहुत कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं है जैसे कि हम उसको यहां पर नहीं लाते हैं। जैसे नियोग प्रथा का वर्णन आता है, तो नियोग अभी नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो उस समय माता से भी ज्यादा स्वस्थ पौष्टिक दूध दाई का होता है। माता को उसके बाद आराम की जरूरत होती है, तबीयत वगैरह संभालनी होती है और बहुत कुछ कारण होते हैं, और उस समय दाई ज्यादा स्वस्थ होती है थी, और उसके कारण यदि कहा हो इस तरह का कि भाई 6 दिन तक माता का दूध पिलाए, उसके बाद दाई दूध पिलाए, लेकिन अभी की परिस्थिति में तो दाई है ही नहीं, धाओ माता नहीं है, तो ये कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय की बात अलग थी, उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति रही हो इसलिए हम अंत है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई झूठ लिखा हो।
क्योंकि मैं भी कोई ग्रंथ लिखता हूँ, पूज्य गुरुवर्य भी ग्रंथ लिखते हैं, और सॉरी स्वामी जी की बात, अभी गुरुवर्य ने भी कुछ लिखा है तो वो उनकी परिस्थिति, उनके आसपास की परिस्थिति के अनुसार लिखा है, मेरे भी गुरुजी ने लिखा है, तो अभी हम उसका एज इट इज नहीं कर सकते। यही गुरुकुल परंपरा की विशेषता होती है कि उसको हम जाने समझे, अभी के परिस्थिति के अनुसार उसका तालमेल बिठाए और वेद का जो तात्पर्य भाग है वो समझकर हम, या आयुर्वेद की संहिताओं का तात्पर्य भाग है वो लोगों के सामने रखे। तो ये स्वामी जी ने बहुत ही उच्ची चेतना पर जाकर ये ग्रंथ का निर्माण किया है मेहनत करके, और भारत को की पुनः एक बार सही मायने में नींव रखने का ये ग्रंथ ने कार्य किया है। ऐसा ग्रंथ, ये ग्रंथ पढ़कर प्रायः 80% क्रांतिकारी तो ये ग्रंथ से ही प्रेरित हुए थे, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, स्वातंत्र दिलाने में जो व्यक्तियों का तो बहुत लोगों का रोल है, लेकिन कोई ग्रंथ का रोल हो सकता है तो सत्यार्थ प्रकाश का ही हो सकता है। मैं बहुत ही उस पर आदर भाव से देखता हूं ये ग्रंथ को, और खास करके जो आयुर्वेद के संबंधित बात आती है तो कालानुरूप उसका मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं, इससे वक्ता को कोई अपमान नहीं। मेरा भी ग्रंथ छपेगा, मैं भी कोई ग्रंथ लिख कर जाऊंगा, अभी लिख रहे तो भी मैं ही यही अपेक्षा रखूंगा, गुरुवर्य ने यही अपेक्षा रखी कि उस काल पर शिष्य परंपरा से वो लोग समझकर और बातों का समन्वय करके उसका अर्थ प्रतिपादित करे। तो ये प्रश्न था, तो ये सबको उपयोगी होगा ये प्रश्न। 6 महीने तक अभी के काल में माता का दूध बालक के लिए श्रेष्ठ है, काश्यप संहिता में ये बताया गया है, विभिन्न आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है। धाई का कंसेप्ट अभी नहीं है, आए तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अभी नहीं है। तो 6 महीने तक माता का दूध बालक को पिलाना है, बालक बालिका हो बालक हो दोनों को 6 महीने तक माता का दूध सबसे श्रेष्ठ पौष्टिक आहार है। नमस्कार, जय धन्वंतरि।